Música <laughs> जय हिंद वॉरियर्स वेलकम टू एम बाइब एस एस सी एंड रेलवे एग्जाम यू चैनल आई एम रोहित ठाकुर एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ डेली करंट अफेयर्स वंस अगेन चलिए भाई सबके सब, सब लाइव आ जाइए क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है जितने भी लोग पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिए ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके एंड वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम वाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है एम वाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जहाँ पे आपको मिलती है ए आई बेस्ड लर्निंग हर चीज वॉरियर्स आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है आप लोगों को अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जो है आप अपने वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं लाइव क्लासेस देख सकते हैं वहां पे बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम रिलेटेड और मॉक टेस्ट भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनमें अटेम्प्ट कर सकते हैं चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास पहली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स फर्स्ट न्यूज देखते हैं आज के सेशन की दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सबको ध्यान रखना है नेपाली शेरपा पसांग दावा क्लाइम्स माउंट एवरेस्ट रिकॉर्ड ट्वेंटी सिक्स टाइम ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जब हम बात करते हैं एसएससी एग्जाम्स की सीजीएल आपका लाइंड अप है अब ध्यान रखना नेपाली शेरपा गाइड क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फॉर द्वेंटी सिक्स टाइम मैचिंग द रिकॉर्ड सेट बाय फेलो नेपाली गाइड कमी रिटा शेरपा फॉर दी मोस्ट एसेंट्स ऑन दी वर्ल्ड हाईएस्ट पीक तो 26 बार जो है एक नेपाली शेरपा जिनका नाम है पसांग दावा इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है पसांग दावा 46 सिक्स टूड अटॉप एट एट फोर नाइन मीटर्स दैट इज दीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट अकॉर्डिंग टू हिमालयन डेटाबेस विच डॉक्यूमेंट्स माउंटेनियरिंग अचीवमेंट इन नेपाल हिमालयस

दिस एम्प्लाइज दैट पसांग दावाज रिकॉर्ड को पोटेंशियली ब्रोकन विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज तो यह है बेसिकली अगले कुछ दिनों में कमी रीता जी है एक जो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट की टीम को जो है लीड कर रही है वो जो है अपना क्लाइम जो है कर सकती है ट्वेंटी सेवन टाइम पे तो इनका रिकॉर्ड टूट जाएगा बट फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है नेपाली शेरपा जिनका नाम है पसांग दावा इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को रिकॉर्ड ट्वेंटी सिक्स टाइम जो है क्लाइम किया है फर्स्ट न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आगे बढ़ते वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की आपकी ये वाली न्यूज है स्पोर्ट्स कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है सबको ध्यान रखना है जस्ट सेकंड आई थिंक सम इशू हाँ जी हॉकी बेसिकली आपको ध्यान रखना हॉकी हरियाणा टाइटल्ड विनर ऑफ इंडियन हॉकी चैंपियनशिप दो हजार तेईस वेरी इंपॉर्टेंट थ हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023, ट्वेंटी थ्री दी हॉकी हरियाणा टीम वॉज डिक्लेयर दी विनर अगर आपसे पूछा जाए कि सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप में जो है किसने जीता है थर्टींथ टाइटल तो ध्यान रखना है हॉकी हरियाणा ने जो है इस टाइटल को जीता है इन द फाइनल्स हॉकी झारखंड एंड हॉकी उत्तर प्रदेश केम इन द सेकंड एंड द थर्ड पोजीशन एट बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा ये आपको ध्यान रखना है सेकंड नंबर पे जो है हॉकी झारखंड है थर्ड नंबर पे जो है हॉकी उत्तर प्रदेश है फर्स्ट नंबर पे जो है आपको टॉप किया है हॉकी हरियाणा ने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है स्पोर्ट्स रिलेटेड एग्जाम में पूछी जा सकती है आपके स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो है इसकी कैटेगरी है और ये है आज की हमारी हैश टू न्यूज क्लियर है सबको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई शाबाश एवरी वेरी गुड ठीक है कोई भी डाउट होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि भी जितना ज्यादा आप शेयर करोगे अपने एसएससी टेलीग्राम ग्रुप्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स में उतने ज्यादा जो है एस्परेंट्स हमारे साथ जुड़ सकेंगे जो एस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं नेक्स्ट न्यूज भी आपको ध्यान रखनी है बेसिकली स्पोर्ट्स रिलेटेड ही हैश टैग कार्तिक बाला गोपालन एज न्यू एम डी फॉर इंडिया अगर आपसे पूछा जाए अब भारत के मैनेजिंग डायरेक्टर पूमा के कौन है किनको अपॉइंट किया गया है तो ध्यान रखना है सबको कार्तिक बाला गोपालन जी जो है अब बेसिकली भारत के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे पूमा के स्पोर्ट्स कंपनी पूमा हैज अपॉइंटेड पूमाज ग्लोबल डायरेक्टर रिटेल एंड ई कॉमर्स कार्तिक बालागोपालन जिनकी उम्र है बयालीस साल एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पूमा इंडिया वन ऑफ फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ही विल सक्सीड अभिषेक गांगुली हु वर्क फॉर पूमाज इंडियन बिजनेस फॉर सेवेंटीन ईयर्स एंड हैज बीन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पूू थाउजेंड फोर्टीन बाला विल रिपोर्ट यह भी आपको ध्यान रखना है

जो भारत में जिनको अपॉइंट किया गया है तो आपको ध्यान रखना है कार्तिक बाला गोपालन साहब जो है इंडिया पूमा के जो है अब मैनेजिंग डायरेक्टर है आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स हैश टैग फोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है सबको नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है ये ठीक है एंड प्लस प्लेसेस इन न्यूज की भी प्लेसेस इन न्यूज की भी ये जो है न्यूज है तुंगनाथ टेम्पल बिल्ट बाई नेशनल मॉन्यूमेंट सबको ध्यान रखना है तुंगनाथ लोकेटेड इन रुद्रप्रयाग उत्तराखंड इज नॉट ओनली वन ऑफ द हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन वर्ल्ड बट आपको ध्यान रखना है इज ऑल्सो हाईएस्ट अमंग पंच केदार रिसेंटली तो ये आपको ध्यान रखना है इसको जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये जो न्यूज है इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा आपसे वॉरियर्स ये पूछा जाएगा कि तुंगनाथ जो है कहां पर सिचुएटेड है तो आपको ध्यान रखना है है जो तुंगनाथ है, ये आपका उत्तराखंड में है उत्तराखंड के साथ साथ जो है है आपसे ये भी पूछा जा सकता वॉरियर्स कि किसने जो है इनको तुंगनाथ टेंपल को जो है बनाया था तो ये आपको ध्यान रखना है तुंगनाथ टेंपल आपका उत्तराखंड में है पांडवाज ने जो है इसको बिल्ड किया था अब जो है इसको डिक्लेयर क्या कर दिया गया है ये है भाई अब एक नेशनल मॉन्यूमेंट Additional information dekhte. the central government declared Tungnath monument a national importance as an inner notification. After defeating Korvas in the Kurukshetra war, the Pandavas wanted to attain for their sins for fratricides and Brahm Hatya or killing of Brahmins during the battle. For this, they handed over the reign of kingdom and went in search of Lord Shiva to worship him and be free from their sins. The temple is believed to have been built by Adi Shankaracharya, an 8th century Hindu philosopher and reformer. The temple is simple structure built in Nagara style. ये भी please सबको ध्यान रखना है जो आपका तुंगनाथ temple है, ये जो है आपका बना है, Nagara style में जो है ये आपका बना हुआ है. The main deity of uh, temple is Lingam, a representative of Lord Shiva. There are also shrines of Goddess Parvati and other Hindu deities. तो ये क्या है आपकी warriors? ये है additional information. क्लियर है सबको ये वाली न्यूज तुंगनाथ टेंपल उत्तराखंड में सिचुएटेड है नगर स्टाइल में बना हुआ है पांडवा ने इसको बनवाया था और ये है आपको ध्यान रखना इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है अब ये है एक नेशनल मॉन्यूमेंट क्लियर है चलिए भाई शाबाश वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज देखते हैं ये आती है भाई आपकी नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज नेशनल कैटेगरी की भी है ये प्लस प्लेसिस इन न्यूज ठीक है तो प्लेस इन प्लेस इन न्यूज क्या हो गई आपकी हैदराबाद और नेशनल क्या हो गया भारत का जो है लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम जिसका नाम है एक्वा मरीन पार्क ये जो है आप बेसिकली आपको ध्यान रखना है जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर पूरा टेक्स्ट देख सकते हो इंडिया लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क टू कम अप इन हैदराबाद एक्वा मरीन पार्क टनल एक्वेरियम जो है रुपीज विदिल्डअप एरिया ऑफ टू लाख फिफ्टी थाउजेंड स्क्वेयर फीट दिस टनल एक्वेरियम विल कम अप इन कोथावला गुडा इको पार्क जो कि आपका हैदराबाद में सिचुएटेड है कर्व टनल विल बी एटलीस्ट हंड्रेड मीटर्स लॉन्ग विद्री पॉइंट फाइव मीटर्स वॉकअवे एंड वन एट्टी डिग्रीज व्यू तो आपको ध्यान रखना है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सौ मीटर लंबा रहेगा थ्री पॉइंट फाइव मीटर जो है इसका चौड़ा एक तरह से जो है वॉक अवे होगा और वन एट्टी डिग्री व्यू जो है आपको इसमें मिलेगा this aquamarine park will have tunnels with a variety of aquamarine species including fish reptiles etc it will also have restaurant with a view of exhibition panel display dome theater 70 theater virtual aquarium touch tank etc the theater will have sitting capacity of ट्वेंटी फाइव पीपल तो थिएटर रहेगा वहां पे वहां पे पच्चीस लोग बैठ सकते हैं उसके साथ साथ जो एक्वेरियम एक साथ देखना चाहते हैं लोग वहां पे पे तो है individual जो है है इंडिविजुअल जो जो एक साथ जो है उसको वहां उनको अकोमोडेट किया जा सकता ये पुरी additional information है ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है इट विल हैव ओनली इट विल हैव मोर देन थ्री हंड्रेड स्पीशीज जिसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है वॉरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर आपको फ्रेश वाटर स्पीशीज भी रहेंगी फिशेज की ब्रैकिश वाटर फिशेज भी रहेंगी साथ साथ आपको ध्यान रखना है मरीन वाटर फिशेज भी जो है और स्पीशीज जो है इसमें रखी जाएंगी और टूरिज्म का जो है काफी ज्यादा जो है इसमें एक्सपैंड होगा क्लियर है सबको एक बार कमेंट करके बताइए भाई शाबाश हां जी ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट न्यूज तरफ बढ़ेंगे अगेन नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है वॉरियर्स एंड दिस न्यूज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में आने के इस न्यूज़ वन लाइनर आ सकता है डायरेक्ट ऑपरेशन समुद्रगुप्त नेशनल ये सॉरी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसको हम एनसीबी बोलते हैं उन्होंने पिछले एक साल में आपको ध्यान रखना है एक ऑपरेशन का अंजाम दिया था जिसका नाम था ऑपरेशन समुद्रगुप्त अब इस ऑपरेशन के रहते उन्होंने चालीस हजार करोड़ के एक साल में जो है ड्रग्स सीज करे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है सीजिंग ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड है और इसको अंजाम दिया था नेशनल सॉरी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है इसको अंजाम दिया था इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग सीजर्स ऑफ ड्रग्स मिथेम फेटामाइन पोटेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ड्रग अब अगर आप थोड़ा एक्सट्रीम लेवल में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत किस ड्रग का जो है सीज किया गया था किस ड्रग को तो आपको ध्यान रखना है मिथेम फेटेमाइन जो है उस ड्रग का नाम है अगर यह पूछा जाए किस चीज को वो हार्म करता है स्टिमुलेट करता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी uh, में दो नर्वस सिस्टम होते हैं सेंट्रल और पेरीफेरल तो आपको सिस्टम को जो है डाउन कर देता है ईरान और पाकिस्तान से जो है सोर्स करके भारत में लाया जाता है तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप चीजें आपको ध्यान रखें आपको बता चुका हूं एनसीबी ने अंजाम दिया है सीजर से रिलेटेड है नाम है ऑपरेशन समुद्रगुप्त चालीस हजार करोड़ के ड्रग्स जो है एक साल में सीज करे हैं एनसीबी ने तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप देखते द नेशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीबी स्टार्टेड ऑपरेशन समुद्रगुप्त टू स्टॉप ट्रैफिकिंग ऑफ हेरोइन एंड अदर ड्रग्स इन द देशन रीजन ऑफिसर्स फ्रॉम ऑपरेशन ब्रांच ऑफ एनसीबी हेडक्वार्टर्स पार्टिसिपेट इन दी ऑपरेशन विच वॉज लेड बाई संजय कुमार सिंह डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑपरेशन एनसीबी द देश मेन गोल वॉज टू गैदर एक्शनेबल इंटेलिजेंस दैट कुड रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ शिप्स ट्रांसपोर्टिंग इलिगल ड्रग्स टीम एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद नार्कोटिक्स लॉ एन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग डी आर आई ए टी एस गुजरात एज वेल एज इंटेलिजेंस ऑर्गेइजेशन लाइक इंडियन नेवीज इंटेलिजेंस विंग एंड एन टी आर ओ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट क्लियर है भाई सबको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई शाबाश वेरी गुड एवरी वन जितनी न्यूज हम कवर कर रहे हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है वॉरियर्स थोड़ा सा लेट अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास जरूर लगाइएगा जहां पे मैं बोलता हूं फोकस करने को उनके नोट्स जरूर बनाते चलिएगा बिकॉज जब एग्जाम आएगा उससे दो तीन दिन पहले अगर आप रिवाइज करना चाहो अपने नोट्स को करंट अफेयर्स के तो बहुत ज्यादा ईजी जो है आप लोगों को हो जाता है नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज अगेन आपकी एक तरह से अपॉइंटमेंट्स नहीं पर पर्सन इन न्यूज की हम ले सकते हैं इन न्यूज तो आपको ध्यान रखना है आयुष्मान खुराना साहब ज्वाइन फॉर स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी टू बर्लिन तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसको अपॉइंट किया गया है तो एक्टर जो हमारे आयुष्मान खुराना एक्टर कम सिंगर इनको जो है बेसिकली अपॉइंट किया गया एज एम्बेसिडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी टू बर्लिन इंडिया टीम के आयुष्मान खुराना हाईली अक्म्ड एक्टर इन दिन फिल्म इंडस्ट्री हैज टेकन ऑन सिग्निफिकेंट रोल एज द एंबेसडर ऑफ इंडियन टीम पार्टिसिपेटिंग इन देशल ओलम्पिक्स जर्नी टू बर्लिन एज द एंबेसडर ही विल लेंड हिज सपोर्ट टू इंडियन टीम मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग देम टू गिव देर बेस्ट परफॉर्मेंस एट जर्न एट दर्नी एट बर्लिन इवेंट तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि वो बेसिकली इंडियन टीम को मोटिवेट करेंगे ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके और इनको अपॉइंट किया गया है एज बेसिकली एम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी ऑफ इंडियन टीम टू बर्लिन Additional information dekhte, warriors. The Special Olympic Journey to Berlin is not only a platform for competition but also opportunity for foster understanding, respect, and unity among people from diverse background. Additionally, Kurana serves as the Indian National Ambassador for UNICEF, further solidifying his commitment to advocating for children's rights and वेलफेयर uh, तो ये भी आपको ध्यान रखना है चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है यूनाइटेड नेशन का उनके जो इंडियन के नेशनल अंबेसिडर कौन है वो भी जो है हमारे आयुष्मान खुराना साहब ही है यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के जो है यूनिसेफ के एम्बेसिडर कौन है वो आपको ध्यान रखना आयुष्मान खुराना है उसके साथ साथ जो है स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी जो भारतीय टीम बर्लिन में जा रही है उसके भी जो एम्बेसिडर है वो है हमारे आयुष्मान खुराना साहब क्लियर है सबको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई हां जी नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज देखेंगे वॉरियर्स इंटरनेशनल कैटेगरी प्लस पीपल इन न्यूज प्लस अपॉइंटमेंट से भी आप कंसिडर कर सकते हो इसको ध्यान रखना है सबको इलोन मस्क साहब ने जो है लिंडा यासी रीनो को जो है अब न्यू चीफ बना दिया है सीईओ जो है बना दिया है किसका ट्विटर का हर जगह ये न्यूज फैल रही है सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज चैनल में तो ध्यान रखना है सबको इंपॉर्टेंट है ट्विटर ओनर इलॉनमस्क यूनिवर्सल सेल्स चीफ लिंडा यानो एज दी कंपनीज न्यू सीईओ मस्क नेम्ड हर द न्यू सीईओ जस्ट आफ्टर सिक्स मंथ्स आफ्टर टेकिंग ओवर ट्विटर एंड फायरिंग इट्स टॉप एग्जीक्यूटिव मस्क विल रिमेन इन्वॉल्व एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ ट्विटर दैट इज सीटीओ Yasirino is one of the women who heads Fortune 500 companies and has been rising steadily through the ranks of some America's highest media companies. ये additional information है बस आपको ध्यान क्या रखना है warriors? ध्यान आपको ये रखना है कि अब जो है Twitter की CEO जो है appoint किया गया है उनका नाम जो है that is Linda Yasirino. Clear है सबको जल्दी जल्दी comment करके बताइए भाई शाबाश वेरी गुड वॉरियर्स चलिए भाई फेवरेट टाइम आता है सबका क्वेश्चन जो एक बार रिवाइज करते हैं वॉरियर्स पहला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने क्या है आज की क्लास का सबको आंसर करके बताना है पहला क्वेश्चन आपके सामने है तुंगनाथ टेम्पल बिल्ट बाई पांडवाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट लोकेटेड इन विच ऑफ दी फॉलोइंग यूटी एंड स्टेट कहां पर जो है ये लोकेटेड है चलिए भाई असम चंडीगढ़ उत्तर उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बहुत इजी है बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल सही आंसर है सबका उत्तराखंड में जो है ये सिचुएटेड है जिसको पांडवाज ने बनाया था ठीक है तो ध्यान रखना है सबको नेशनल मॉन्यूमेंट इसको डिक्लेयर कर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अनाउंसमेंट इंडिया लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क टू कम अप इन विच ऑफ दिटीज चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा हां जी मुंबई कोची हैदराबाद या फिर पोर्ट ब्लेयर चलिए भाई जल्दी 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 वेरी गुड शाबाश सबका सही आंसर जो है मुझे यहां पे दिख रहा है बिल्कुल सही आंसर है सबको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है कहां पे आ रहा है भाई ये हैदराबाद में जो है इसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है वेरी गुड शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कंट्रोल ब्यूरो अभी, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था ये इन्होंने चालीस हजार करोड़ के जो है एक साल में जो है बेसिकली ड्रग सीज करे हैं किस ऑपरेशन के तहत जो है इन्होंने इसको करे है ऑपरेशन समुद्रगुप्त ऑपरेशन सागर ऑपरेशन नार्कोस या फिर ऑपरेशन कली चलिए भाई जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी 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 शाबाश भाई एवरीवन बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में वेरी गुड ऑपरेशन समुद्रगुप्त जो है बिल्कुल सही आंसर है भाई शाबाश वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हु अमंग द हैज रिसेंटली टेकन ऑन सिग्निफिकेंट रोल एज दंबेसडर फॉर इंडियन टीम पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल ओलंपिक्स जर्नी टू बर्लिन रणवीर सिंह एन टी राव, रामचरण या फिर आयुष्मान खुराना साहब किसको जो है जल्दी जल्दी आपको बताना है कमेंट करके अपॉइंट किया गया है एज एंबेसडर हां जी वेरी इजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में मुझे दिख रहा है भाई बिल्कुल सही आंसर है आयुष्मान खुराना जो है बिल्कुल करेक्ट है शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स हु फॉलोइंग हैज recently been appointed as Twitter's new chief by owner Elon Musk. Linda Yasserino, Jack Dorsey, Noah Glass, Yafir, Evan Williams. चलिए भाई वेरी गुड एवरी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको मालूम होना चाहिए बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही है लिंडा यासरिनो जो है इनको अपॉइंट किया गया है ट्विटर का न्यू सीईओ बाय बाईन मस्क नेक्स्ट क्वेश्चन नेपाली शेरपा गाइड क्लाइम्ड रिसेंटली माउंट एवरेस्ट मैचिंग द रिकॉर्ड सेट बाय फेलो नेपलीज गाइड कमीरिटा शेरपा फॉर हाउ मेनी टाइम्स दे क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट यह आपको बताना है छब्बीस सत्ताईस उनतीस या फिर छत्तीस हाँ जी कितने कितनी बार जो है आपको बेसिकली बताना है इन्होंने जो है क्रॉस किया है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई कमेंट मुझे सेक्शन नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है दैट इज एब्सोल्युटली राइट ध्यान रखना है सबको वॉरियर्स छब्बीस जो है बिल्कुल करेक्ट है चलिए वॉरियर्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं विच स्टेट टीम रिसेंटली वन दर्टीन हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 महाराष्ट्र केरला पंजाब या फिर हरियाणा अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था इसके बारे में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है सबको वेरी वेरी गुड शाबाश एवरीवन बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है मुझे यहां पे शाबाश दैट इज करेक्ट हरियाणा ने जो है इसको टॉप किया है Warriors, एट क्वेश्चन भी वी हैव सबको पता ही होगा वैसे बेसिकली हु the following बिकम become वुमेन first woman रोल ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सी एम डी एट पावर फाइनेंस Corporation रिपीटेड क्वेश्चन है देखते हैं किस किस को याद है इसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी वी हैव चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके शाबाश एवरी वन वेरी गुड कल्पना मोरपारिया जारीन दरूवाला परमिंदर चोपड़ा या फिर उपासना टाकू बिल्कुल सही आंसर है सबका शाबाश दैट इज करेक्ट परमिंदर चोपड़ा जो है दैट इज करेक्ट आंसर तो वॉयर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है टाइम टेबल जो है आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वॉरियर्स एसएससी का टाइम टेबल आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है वहां पे जो है आपका बैच जो है आठ तारीख से जो है आठ मई से लाइव हो चुका है अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप क्लासेस लगा सकते हैं रीजनिंग जो है आपको वहां पे कार्तिक सर करवा रहे हैं मैथमेटिक्स जो है आपको प्रबल सर रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं जनरल अवेयरनेस पॉलिटी की बात करें तो आपको कासेज सर रेगुलरली करवा रहे हैं जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक्स की वॉरियर्स अगर हम बात करें तो अंकित सर जो है आपको करा रहे हैं जनरल अवेयरनेस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें आशीष कुशवाहा सर जो है आपको रेगुलर करा रहे हैं और हमेशा की तरह जो आपको फेवरेट सब्जेक्ट है दैट इज इंग्लिश इंग्लिश जो है हमारे अमित सर जो है आपको करवा रहे हैं तो ये आपका टाइम टेबल है इसका आप स्क्रीन भी जो है ले सकते हैं और इसको रेगुलर बेसिस पे आप जो है प्लीज लगाते रहिए तब जो है बहुत ज्यादा हेल्प जो है आपको आपके एग्जाम में मिलेगी ही मिलेगी उसके अलावा वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम बाइप की एप्लीकेशन देखो भाई डाउनलोड नहीं करी है एम बाइप की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए बहुत यूज़फुल है वॉरियर्स आप लोगों के लिए हर चीज़ जो है आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है आपको कुछ नहीं करना है एग्ज़ाम की बेसिकली आपको एग्ज़ाम की कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको हर चीज़ वहां पर मिलेगी ठीक है साफ साफ मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए मेन चीज़ क्या है आप लोगों को वहां पर मिलती है बुक्स बुक्स के साथ जो है आप लोग वहां प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट इनके साथ आप लोगों के लिए क्या है लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड लेक्चर जो है आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है ठीक है उसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान क्या रखना है वॉरियर्स की रेट करना मत भूलिएगा अगर आपको एप्लीकेशन अच्छी लगती है तो आप इसको रेट जरूर करिएगा नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज टेलीग्राम जो आप लोगों को ध्यान रखना है भाई टेलीग्राम जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है टेलीग्राम को डाउनलोड करिए टेलीग्राम डाउनलोड करने से क्या होता है बहुत ज्यादा हेल्प जो है आप लोगों को मिलती है आप सर्च करते हो वहां पे एम बाई अचीव एस एस सी एंड रेलवे एग्जाम आपको सर्च करना है वहां पे सर्च करने के बाद आप उसको ज्वाइन कर लेना है स्कैन भी कर सकते हो आप स्कैन करके डायरेक्ट ज्वाइन कर लोगे आप ठीक है यहाँ से आप उसको स्कैन कर सकते हो अपने फोन से डायरेक्ट जो है आप लिंक हो जाओगे हमारे साथ टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे आप लोगों को मिलता है रेगुलर बेसिस पे क्लासेस के लिंक्स मिलते हैं आप लोगों को वहाँ पे क्लासेस के लिंक्स के साथ साथ जो है पीडीएफ डी आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है और रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए वहाँ पे क्या होता रहता है क्विज होता रहता है जिससे कि पता लगता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो चुकी है तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन वॉरियर्स जिनको थोड़ा समझ आया है अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए कोई अगर डाउट है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं एंड टेल द टाइम वॉयर्स कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज ऑलवेज बेटर देन लर्निंग जहिंद रिवान की